माय चैनल। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी सारी रेमेडीज देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी रेमेडी यूज करें और कौन सी नहीं। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप वो रेमेडी यूज कीजिए जो कि आपको सूट करती है और जो कि आपके पास अवेलेबल भी है, तो वो यूज कीजिए। और नेक्स्ट कोई भी रेमेडी अगर आप यूज करते हो तो एटलीस्ट आपने 2 से 3 दिन का गैप रखना है, उसके बाद ही आपने नेक्स्ट रेमेडी यूज करनी है। तो इस बात का आपने मेन ध्यान रखना है, उसके बाद आपने यूज करनी है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू है तो, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि और लोगों की भी इससे हेल्प हो सके। हाँ, अगर आपका कोई ब्यूटी सीक्रेट है तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मैं आपके नाम के साथ ही साथ उसे शेयर करूँगी सबके साथ, तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। आपने लेना है घिया यानी कि लौकी। ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके बालों पर वर्क करती है, उसको काला बनाती है और काफी अच्छी होती है आपके हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए। उसको लंबा बनाती है, घना करती है, जड़ों से मजबूत बनाती है, काला करती है जड़ से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ तो इसको कैसे यूज करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लौकी को घिये को अच्छी तरह से कट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो, मोटा या छोटा, जैसा भी आप चाहते हो। तो मैंने इसको क्यूब्स में ऐसे कट कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसको आपने यूज कैसे करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको यूज कैसे करना है। तो देखिए, आपने सबसे पहले लेनी है कोई भी लोहे की कढ़ाई। आप चाहो तो पैन भी ले सकते हो, अगर आपके पास अल्मोनियम का है तो वो भी ले सकते हो, नो इश्यू। और जस्ट आपने गैस ऑन कर देनी है और फिर आपने इसमें डालना है 1 ग्लास के अराउंड पानी। पानी डाल देना है आपने, जैसे ही हल्का सा पानी बॉइल होने लगेगा फिर हमने अपनी नेक्स्ट चीज डालनी है जो है घिया। तो देखिए हमारा पानी बॉईल होने लगा है और अब हम इसमें अपना घिया डाल देंगे जो कि हमने क्यूब्स में कट किया था। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा या कम बना सकते हो। इसको उबलने देना है हमने और साथ ही साथ अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालने के लिए कट कर लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा के आप पत्ती भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसमें मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। इसको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो देखिए जब तक हमारा ये बॉईल हो रहा है, अब हमने ये कट कर लिया अपने क्यूब्स में एलोवेरा जेल की पत्तियों को। आप इसमें मार्केट वाला भी डाल सकते हो और ओरिजिनल जेल है तो वो भी डाल सकते हो, बस आपने इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह से उबालना है। आपने इसको किसी भी मैशर की हेल्प से अच्छी तरह से मैश करते हुए उबालना है, अच्छी तरह से पकाना है आपने। एलोवेरा जेल और घिया यानी कि लौकी हम सभी के बालों के लिए काफी अच्छा है। ये दोनों मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाती है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बालों पर काम करती है, हमारे बालों को अंदर से मजबूत करती है, जड़ों से काला बनाती है। और अगर आप एलोवेरा का या घी का यूज़ नॉर्मल करते रहते हो रेगुलर बेसिस में तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होते। जस्ट आपने इसको पकाना है अच्छी तरह से गलने तक, आपने साथ ही साथ इसको मैश करते रहना है। देखिए इसके पानी का कलर चेंज होने लग गया है। अगर आपका पानी कम हो जाए, सूख जाए और आपका घिया अच्छी तरह से ये पूरा मैश ना हो तो आप थोड़ा सा इसे पानी और डाल दीजिए। आप इसको किसी भी बर्तन में बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने लोहे की ही कढ़ाई लेनी है। और अपनी डाइट का मेन ख्याल रखिए ताकि आपके बाल जल्दी सफेद ना हो और कंट्रोल रहे आपके बाल। तो डाइट प्रॉपर लीजिए, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि टेंशन की वजह से भी होते हैं हमारे बाल। और हाँ, मेलानिन की कमी हो जाती है उसकी वजह से भी होते हैं, मेलानिन बनना बंद हो जाता है तो हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। और ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर आपके पापा के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, अगर हो सकता है कि हाँ आपके भी हों। तो इसको अच्छी तरह से आपने मैश करते रहना है साथ ही साथ।
तो देखिए मुझे लग रहा है इसमें पानी कम है, तो इसमें मैं आधा कप और पानी डालूंगी जिससे कि अच्छी तरह से गल जाए और इसके जितने भी इन्फ्यूजन है इस पानी में आ जाए अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से आपने मैश करते हुए इसको पकाना है 10 से 15 मिनट तक के लिए। 10 से 15 मिनट तक के लिए आपने इसको हाई फ्लेम में अच्छी तरह से पकाना है कंटिन्यू, और हिलाते रहिए, मैश करते रहिए साथ के साथ। तो ये देखिए हमारा पानी आधा हो चला है। अब हम इसमें अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल देंगे जो कि है चाय पत्ती। अगर आप चाय पत्ती का पानी रेगुलर अपने बालों में लगाते हो ना तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है और आपके बालों को नेचुरली काला करता है। अच्छी तरह से मैश करना है आपको इसे। आप चाहो तो इसमें कॉफ़ी भी डाल सकते हो, वो भी आपके बालों को काफ़ी अच्छी तरह से काला करता है। आप ब्लैक कॉफ़ी या आपके पास जो भी अवेलेबल है, ब्रू की, नेस्कैफे, कोई भी आप डाल दीजिए इसमें। अगर काली कॉफ़ी है तो फिर क्या कह रहे। इसके पानी का कलर देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कलर चेंज हो गया है। बस 2 मिनट हमने और इसको पकाना है अच्छी तरह से मैश करते हुए। अगर आप पानी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। क्योंकि सर्दियों में कई बार होता है कि हम पानी अपने बालों में नहीं लगाना चाहते, तो सिंपली आप कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लीजिए और सारी रेमेडी ऐसे ही डालिए। तो बस हो गया हमारा, और अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ढक करके रख देंगे क्योंकि जिससे कि इसका इन्फ्यूज़न सारा इसमें आ जाए। आधे से 1 घंटा हो चला है और ये हमारा ठंडा हो गया है। कितनी अच्छी रेमेडी हमारी बन करके रेडी है। देखिए सारा इन्फ्यूजन इसमें आ गया है अच्छी तरह से, और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करती है हमारी रेमेडी। तो यहाँ पर आपने आंवला पाउडर डाल देना है 1 टीस्पून, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये सभी आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। आंवला के गुड़ तो आप जानते ही हो हमारे बालों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा एक वरदान माना जाता है, किसी वरदान से ये कम नहीं है। तो बस आप ये डाल दीजिए और इसमें आप नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे विटामिन ए कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ए कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें कैस्टर ऑयल डाल सकते हो या तो बादाम रोगन ऑयल भी डाल सकते हो। ये 400 mg का है। तो यहाँ पर आपने एक ये डाल देना है। तो किसी भी पिन की हेल्प से या तो फिर सीजर की हेल्प से आप इसमें छेद कीजिए और बस इसमें डाल दीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है आपके बालों पर, आपकी स्किन पर, एक मैजिक के जैसा। तो बस इसको डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, आपके बालों के लिए पावरफुल है। और आपको इसको लगाना है और कॉटन की हेल्प से लगाइए या स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे कर लीजिए। वैसे आप कॉटन की हेल्प से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, जस्ट लगाइए। उसके बाद आप 2 घंटे छोड़ दीजिए अपने बालों पर और उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। आप शैम्पू, आपको शैम्पू करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो, नहीं तो आप शैम्पू कर सकते हो, माइल्ड शैम्पू, कोई भी हर्बल शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए जस्ट। और ये जो हमारा बच गया है इंग्रेडिएंट, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो ग्राइंडर में। आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए, उसके बाद अपने बालों पर एज अ पेस्ट लगाइए और बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। आपने वो 1 से 1.5 घंटा छोड़ देना है, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। रेमेडी आपके बालों को तो काला करती ही करती है, साथ ही साथ उसके जड़ से मजबूत करती है, हेयर रूट्स में जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक करती है, उसको मजबूत बनाती है और काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करती है, लंबा काला घना बनाती है। तो जस्ट ट्राई कीजिएगा जरूर से।
तो इस तरह आपने किसी भी कॉटन हेल्प से या फिर फिंगर टिप्स के हेल्प से अपने बालों पर अच्छी तरह से लगाना है हेयर रूट्स पर, और अच्छी तरह से पूरे अपने सिर की मसाज करनी है। कम से कम आपने इसको 1 से 2 घंटा लगे रहने देना है। उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर सकते हो किसी हमारे शैम्पू से। और वीडियो पसंद आएगी तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करना है तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। मिलती हूँ आपसे न्यू अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस, बाय बाय।